मैं हूँ निवेदिता और आपका स्वागत है निवेज रेसिपी में। आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज वाली भिंडी। वैसे तो हम सबको भिंडी ज्यादा पसंद नहीं होती, क्योंकि उसका रीजन है उसकी स्टिकीनेस। तो आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि भिंडी की सब्जी का स्टिकीनेस हम कैसे कम करेंगे। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। प्याज वाली भिंडी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है, जिसको मैंने वॉश करके उसको सुखा के ऐसे कट करके लिया है। उसके साथ साथ दो मीडियम साइज के प्याज मैंने ऐसे पतले स्लाइस में कट करके लिया है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 8 से 10 लहसुन की कलियों को मैंने ऐसे हाफ क्रश करके लिया है, एक चम्मच राई, एक चम्मच जीरा, स्वाद के अनुसार नमक और बड़े 2 चम्मच यहाँ पे मैंने भुनी हुई मूंगफली का पाउडर लिया है, यानी कि रोस्टेड पीनट पाउडर, और थोड़ा ऑयल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गैस ऑन करेंगे। गैस को ऑन करने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा पैन में तेल डालेंगे, 2 से 3 चम्मच। यहाँ पे तेल अभी गर्म हुआ है तो हम यहाँ पे अभी ये राई डालते हैं। राई को अच्छी तरह से पकाए। अब हम यहाँ पे 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे को भी अच्छी तरह से भूनना है हमें। अब हम यहाँ पे जो हाफ क्रश किया हुआ लहसुन है वो डालेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे पतला स्लाइस किया हुआ ऑनियन डालेंगे। अच्छे से मिक्स करना है। अब ये गोल्डन ब्राउन होने तक ऑनियन को पकाना है हमें। तो यहाँ मैं गैस का फ्लेम मीडियम कर रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्याज का कलर थोड़ा सा ब्राउनिश हो गया है। इसका मतलब हमारा प्याज जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम यहाँ पे ये कटी हुई भिंडी डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज के साथ भिंडी अच्छे से मिक्स हो गई है यहाँ पे। अब हम पैन को कवर करेंगे और 2 मिनट का वेट करेंगे। यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं। हम चेक करते हैं, फिर एक बार मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे हम गैस का फ्लेम लो रखेंगे, क्योंकि सूखे मसाले डालने हैं। यहाँ पे मैं अभी लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, उसके साथ साथ हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक। पहले इन सबको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ये मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए अब भिंडी में। अब हम इसमें जो भुना हुआ मूंगफली का जो मैंने पाउडर लिया है वो डालेंगे। इससे भिंडी का जो स्टिकीनेस होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो ये जरूर डालिएगा सब्जी में। आप देख सकते हैं कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि भिंडी की सब्जी है थोड़ी स्टिकी हो गई है, पूरी ड्राई ड्राई लग रही है। तो अब हम इसे कवर करके और दो तीन मिनट तक पकाएंगे। यहाँ पे मैंने 3-4 मिनट तक भिंडी को पकाया है। अब देखते हैं कि वो सॉफ्ट हो गई है या नहीं। यहाँ पे हमारी भिंडी की सब्जी बनके तैयार है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी है। आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे गैस को ऑफ कर रही हूँ। तो ये हमारी मजेदार प्याज वाली भिंडी की सब्जी तैयार है। अब हम इसको सर्व करते हैं। अब सबसे लास्ट में मैं यहाँ पे चॉप किया हुआ हरा धनिया डालूंगी। एक बार फिर से मिक्स करूंगी। तो इस प्लेट में मैं ये सब्जी सर्व करूंगी।